माहिर से होंगे। अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या जादू की काट करवाना चाहते हैं तो मदरसा फातिमा तुज़्ज़हरा से मदद हासिल कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम लाइव आपको बता रहे हैं आपको समझ आ जाए और आपको करने में भी आसानी हो। जज़ाकअल्लाह। आज अमली वज़ाइफ शुरू करने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से शुरू करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे की दुआ कबूल होती है लेकिन अगर गुनाह या रिश्तेदारों की बदसलूकी की वजह से वो दुआ करता है या आहोबका करता है और उनको नुकसान पहुंचाने की दुआ करता है वो दुआ कबूल नहीं होती। और आप जब दुआ करते हैं तो दुआ में जल्दी ना मचाएं। अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी मचाने का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जल्दी मचाना ये है कि यूँ कहने लगे कि मैं बार बार दुआ करता हूँ, दुआ कबूल क्यों नहीं होती? क्या वो देखता नहीं, सुनता नहीं? तो सो दुआ करना छोड़ दे। तो प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक से हर वक्त आप दुआ करते रहा करें। अल्लाह पाक दुआ सुनते भी हैं और कबूल भी करते हैं। अगर उस वक्त कबूल होने वाली दुआ होगी फौरन हो जाएगी, ये तो कुछ वक्त आपको दुआ कबूल होने में लगता है। देखिए, कुछ दुआएं हमारी आखिरत के लिए हो जाती हैं, इकट्ठी तब कबूल होती हैं। अगर उसमें शर और नुकसान ना हो तो फौरन कबूल हो जाती हैं। दुआ मांगना अफजल है, दुआ मांगते रहना चाहिए अल्लाह पाक से। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुआ नहीं करते और दिल बर्दाश्ता होते हैं और सब्र नहीं करते। जितना आपका सब्र है प्यारे बहन भाइयों, इतना मीठा पल है कि आप सब्र से भी काम लें, दुआ भी करें, इंशाल्लाह आप अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे। आज जो अमल है मतलूब और तालिब, अपने प्यारे को ताबे करने का अमल मैं आपको बताऊंगी। ये अमल 3 दिन आपने करना है, पीर, मंगल और बुध। जुमेरात को आपने कोई भी मीठी चीज़ बनाकर अल्लाह से दुआ करके बच्चों में तकसीम करें, अपने घर में तकसीम कर सकते हैं। एक मोमबत्ती लें और उस मोमबत्ती को आपने अतर लगाना है जब तक वो पूरी जल ना जाए। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें एक दायरा सा ऊपर बन जाता है, जहाँ पर एक शमा जहाँ जलती होती है वहाँ पर आपने थोड़ा सा अतर का इस्तेमाल करना है। आप चमेली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो नक्श स्क्रीन पर चल रहा है, ठीक है, इस नक्श को आपने फोल्ड करना है और बारीक सा कर लें। ठीक है, जैसे हम किसी कागज को, जितना छोटा नक्श बनेगा ना उतना आसान से वो फोल्ड हो जाएगा। उसको फोल्ड करके आपने नक्श को जलाना है उसी कैंडल में, मोमबत्ती में। और आपने जो रुख है, जब आप ये अमल करें तो आप रुख खाना काबा की तरफ भी कर सकते हैं या फिर अपने दरवाजे की तरफ भी कर सकते हैं। ये अमल 3 दिन आप करें, आपका प्यारा इतना ज्यादा बेताब हो जाएगा और आपके पास चला आएगा। ठीक है, और जब आप नक्श बनाएं उसके नीचे नाम भी आपने लिखना है, फला बिन फला आला हुब, फला बिन फला, फला आपने अपना नाम, बिन अपनी माँ का नाम, आला हुब फिर जिसको आप तलब कर रहे हैं। आप ये अमल किस लिए कर रहे हैं? मियाँ बीवी के लिए आप ये अमल कर रहे हैं या फिर रिश्तों की बंदिश को ख़त्म करने के लिए अमल कर रहे हैं या तालिब व मतलूब के लिए अमल कर रहे हैं, यानी अपने प्यारे को बुलाने के लिए अमल कर रहे हैं, या फिर आप किसी को मुसख़र या किसी को अपनी मोहब्बत में कायल करने के लिए कर रहे हैं, निकाह के लिए अमल कर रहे हैं। नाजायज़ इस अमल का इस्तेमाल ना करें प्यारे बहन भाइयों, उसका नुकसान होगा और अल्लाह पाक भी गुनाह देंगे। आपने नाम लिखना है फिर इसको जलाना है, नाम लिखे बगैर इसको आप नहीं जला सकते। ये अमल 3 दिन आप करें। 3 दिन करने के बाद जुमे रात को आप खाना सुबह के टाइम फजर के बाद बना लें या दोपहर किसी टाइम भी बना के, लेकिन मगरिब से पहले बनाएं। ठीक है, तो बनाकर
खुद भी खाएं, लोगों में भी तकसीम करें, बच्चों को खिला दें, दो चार लोगों को खाना खिलाएं और उनकी दुआ लें और इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। ये अमल आप एक दफ़ा ज़रूर करें, नक्श का इस ज़रूर करें। नक्श स्क्रीन पर चल रहा है, वहाँ से आप आराम से ले सकते हैं। अपनी इस बहन को इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो अपनी बहन से रब्ता करें, आपकी ज़रूर मदद की जाएगी। अपना ख्याल रखें। जज़ाकअल्लाह खैरा।